बढ़ते हैं आगे सागर से खबर। कार्ट से मरीज को पहुंचाया अस्पताल, बक्सवाहा गांव में नहीं पहुंची सड़क, सड़क की वजह से नहीं पहुंची एम्बुलेंस, लंबे वक्त से हो रही है सड़क की मांग। तो सड़क नहीं पहुंचने से मरीज को खाट पर अस्पताल पहुंचाया गया है। लंबे समय से अस्पताल की मांग की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके अब तक लोगों के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे में आप तस्वीरों को देखिए, खाट पर ले जा रखे ये सभी व्यक्ति, क्योंकि अस्पताल पहुंचना है तो ऐसे में इलाज के लिए खाट का ही सहारा लेकर लोग अस्पताल पहुंचे हैं। तो लंबे समय से सड़क की मांग हो रही है और इस वक्त बरसात का मौसम भी है और ऐसे में जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से खराब हैं। सड़क की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। बक्सवाहा गांव का ये पूरा मामला है जहां पर पन्ना में प्रसूता को कुर्सी पर पहुंचाया अस्पताल, यहां पर सड़क नहीं पहुंची है। सड़क नहीं होने से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कई गांव के पूरे मामले हैं जहां पर सड़क नहीं पहुंचने से मरीजों को कभी कुर्सियों में तो कभी खाट पर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है इलाज के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल यहां सड़क नहीं पहुंची है और सड़क नहीं पहुंचने से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खाट का सहारा लेकर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है, सड़क नहीं है। लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही है लेकिन बावजूद उसके अब तक सड़क नहीं पहुंची है और गांव वाले इससे काफी परेशान भी हैं, क्योंकि सिर्फ जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे इसी तरह खाट पर ले जाया जाता है। दो तस्वीर एक सागर की है जहां पर खाट पर मरीज को अस्पताल पहुंचाते हुए आपको लोग नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर पन्ना की है जहां पर कुर्सी पर प्रसूता को ले जाया जा रहा है क्योंकि वहां पर भी कोई साधन नहीं है सड़क के और सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ऐसे में दर्द से कहराती इस प्रसूता को कुर्सी पर ले जाया जा रहा है क्योंकि लंबा सफर है, चलकर नहीं जाया जा सकता है, रास्ते खराब हैं, थोड़ी सी भी गलती एक बड़ा झटका पूरे परिवार को। तो आप तस्वीर देखिए कि अपने आप में ये समझने की बात है कि 20वीं सदी में भी कई ऐसे गांव अभी हैं जहां पर अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, वहां पर अभी भी पुराने साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे खाट और कुर्सी, क्योंकि यहां पर सड़क नहीं पहुंची है तो गाड़ियों का आवागमन यहां बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ऐसे में ये तस्वीर अपने आप में सवाल उठाती है। जो सरकार दावे करती है कि गांव गांव शहर शहर हमने सड़कें पहुंचाई हैं, लेकिन ये गांव का क्या जहां पर अभी तक सड़क ही नहीं पहुंची है। ये 20वीं सदी का समय है और सड़क नहीं होने से गांव वासियों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। विष्णु सोनी इस वक्त संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। विष्णु, शहर शहर गांव गांव तक सड़क पहुंचाने का दावा किया जाता है लेकिन ये 20वीं सदी में भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी तक सड़कें नहीं पहुंची हैं, क्या वजह है इनके पीछे? जैसी नगर क्षेत्र है ये, राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का क्षेत्र है ये। हाँ। ये सागर जिले में सबसे पिछड़ा क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं, जैसी नगर को। ट्राइबल भी यहाँ पर काफी तादाद में है, यहाँ पर आदिवासी रहते हैं और कई ऐसे यहाँ पर एरिया है, बक्सवाहा क्षेत्र ये कहलाता है। हाँ। जैसी नगर क्षेत्र का यहाँ पर जो पुल के उस पार है वहाँ पर रोड नहीं बनी हुई है और करीब यहाँ पर 80 से 90 जो घर है परिवार वो रहते हैं, तो उन्हें इसी तरह से बारिशों में जो है कच्ची सड़क का सामना करना पड़ता है, कीचड़ पर से ही ये आना इनको जाना पड़ता है। और साथ ही अभी जो पिछले दिनों एक परिवार के यहाँ एक वृद्ध बीमार हो गया तो उसे खाट पर ही आसपास के लोग मतलब सड़क से ले जाते हुए दिखे, उसी में से एक शख्स ने ये वीडियो बना लिया और जो जमकर वायरल हो रहा है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि गोविंद सिंह राजपूत का क्षेत्र है, मंत्री का है, बावजूद इसके यहाँ तक सड़क नहीं बनी है और लोग खाट पर ले जाने को यहाँ पर मजबूर हैं लोगों को, मरीजों को। जी ठीक है, बिल्कुल। अपने आप में विष्णु सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे जो यहाँ तक अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई? इसके पीछे जब हमने पता किया तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो विकास के दावे हैं
वो पूरे दावे यहाँ पर आके खोखले हो जाते हैं। ट्राइबल एरिया है, सब जो विकास है वो मेन रोड पर और जो मुख्य मार्गों पर ही दिखाई देता है। इंटीरियर क्षेत्र में अभी भी यहाँ पर इतनी ऐसी दुर्दशा है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं और मंत्री भी ध्यान नहीं देते हैं। चुनावी क्षेत्र जब है, चुनावी जब समय आता है तब तो मंत्री जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद यहाँ पर अभी तक आजादी के बाद से वो सड़क बनी नहीं है, जहाँ की हम ये वायरल वीडियो देख रहे हैं बक्सवाहा का। जी ठीक है, जब ये वीडियो वायरल हुई है अभी तक कोई जवाब किसी प्रशासन और किसी अधिकारी की तरफ से? हमने यहाँ पर कलेक्टर से भी बात करनी चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं सीधे तौर पर कि ठीक, हम दिखवाते हैं कहाँ का ये मामला है, अगर सड़क नहीं बनी है वही रटा रटा है जवाब कि हम बनवा देंगे। मंत्री से भी हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि हाँ उसका स्वीकृत है सड़क और बनवा दी जाएगी और आचार संहिता, ये सब तरह की बातें, कुल मिलाकर नतीजा सिफर है। अभी सड़क जो की त्यों है और इस बार भी अभी बनने की उम्मीद नहीं है, बारिश में लोगों को ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा। ठीक है विष्णु, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।